नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक का सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच नेम डाल देंगे, जिस भी ब्रांच से आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उसका एड्रेस डाल दें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पहले ब्रांच नेम डालेंगे, ब्रांच कोड डाल दें। ब्रांच कोड अगर आपको पता नहीं तो ब्रांच कोड ब्रांच नेट से आप निकालें। ब्रांच कोड अगर ब्रांच कोड नेट से आप नहीं निकाल सकते तो वहाँ पे जाने के बाद ब्रांच कोड किसी स्टाफ से पूछ लेते, आपको ब्रांच कोड बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे ब्रांच कोड डाल दें। अगर आज फॉर्म सबमिट करें तो आज का डेट ही डालें। कस्टमर आईडी पूछ रहा है, कस्टमर आईडी जब आपका क्रिएट होगा तो यहाँ पे कस्टमर आईडी ब्रांच के थ्रू लिख दिया जाएगा। यहाँ का स्टाफ यहाँ पर लिख देंगे। अकाउंट टाइप न्यू है तो न्यू कर दें, अगर अपडेट करवा रहे हैं तो अपडेट कर दें। अकाउंट नंबर जब अकाउंट खुलेगा तो लिखा जाएगा। सीकेवाईसी नंबर वो भी जनरेट होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा, इसे भी छोड़ दें। अकाउंट टाइप पूछा है तो नॉर्मल है तो नॉर्मल कर दें, और स्मॉल है तो स्मॉल कर दें। नॉर्मल तो हम लोग नॉर्मल कर दिए हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी अगर आपका पहले से सेव बना हुआ है, कस्टमर आईडी बना हुआ है तो यहाँ पे डाल दें। कस्टमर नंबर नहीं तो छोड़ दें, इसे भी यहाँ पे अपना नाम डाल दें। पहले मिस्टर मिसेज जो भी है कर लिया तो यहाँ मिस्टर कर दिए। आप अपना उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डाल दें। जैसे आईडी प्रूफ में आपका नाम लिखा गया है वैसे ही नाम यहाँ पर डाल दें। मेडन नेम अगर किसी लेडीज़ का अकाउंट खुला है शादी से पहले अगर उसका कोई नाम था तो वो नाम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे छोड़ दें। डेट ऑफ बर्थ डाल दें। जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल है फीमेल है जो भी है सेलेक्ट कर लें। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड है अनमैरिड है जो भी आप टिक कर लें। यहाँ पे आपको नेम ऑफ फादर और मदर और स्पाउस पूछ रहा है। अगर लड़का है तो अपना फादर से मदर से नाम देगा, अगर किसी औरत का शादी हो चुका है तो अपना स्पाउस माने पति का नाम देगा। तो यहाँ पर मिस्टर कर दें, अपना जो भी पिता माँ या पिता जिसका नाम दे सकते हैं उसका दे दें। तो यहाँ पर अपना फादर से नेम डाल दिए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, कितने घर में आपके लोग हैं तो 5 है तो 5 कर दिए हम लोग। इलिटरेट पूछा है, इलिटरेट हैं पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसे नो कर दें, पढ़े लिखे हैं इसलिए इसे नो कर दें। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, चेहरे पर आपको किसी भी तरह का मार्क्स होता है यहाँ पे लिख दें, नहीं तो छोड़ दें। गार्जियन का नाम पूछा था यहाँ पर मिस्टर कर दें। जो भी आपका पिता का नाम है पिता का नाम डाल दें यहाँ पे। इन केस ऑफ माइनर, अगर अकाउंट होल्डर माइनर है तो उसका रिलेशन लिख दें। गार्जियन के साथ क्या रिलेशन विथ गार्जियन, माने रिलेशन गार्जियन का नाम लिख दें और रिलेशन लिख दें। नेशनलिटी इंडिया है तो इंडिया कर दिए हैं, यहाँ पे इंडिया ही लिख दें। कंट्री नेम इंडिया लिख दें, नहीं तो अदर को सेलेक्ट करके भी जो अदर है लिख सकते हैं। एप्लीकेशन पूछ रहा है तो एप्लीकेशन में हम लोग स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कर देते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कर देते हैं, आप जो है वो अपना देख लें। मंथली इनकम पूछा है तो आप अपना मंथली इनकम यहाँ पे डाल दें। और यहाँ पे नेटवर्थ पूछा है तो नेटवर्थ डाल दें अपना। रिलीजन पूछ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी अपना टिक कर ले, अगर नहीं है अगर दूसरा रिलीजन है तो अदर को टिक करके वहाँ पे अपना रिलीजन डाल दे। कैटेगरी पूछा है, जनरल है ओबीसी एससी एसटी जो है अपना टिक कर लें। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी तो इसे नो कर दे, अगर दिव्यांग नहीं तो नो कर दें। उसके बाद एजुकेशन पूछा जा रहा है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है तो आप जो भी है ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट कर दें, पोस्ट ग्रेजुएट कर दें, जो है आप अपना टिक लगा लें। कोई संगठन का नाम है तो यहाँ पर लिख दें, नहीं तो छोड़ दें। ये सब
प्रोफेशन पूछ रहा है तो प्रोफेशन आप छोड़ दें, नेचर ऑफ बिजनेस पूछा है ये सब है तो ठीक है डालें, नहीं तो जिसे छोड़ दें। यहाँ पूछा जाता है पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, तो नहीं है तो नो कर दें, छोड़ दें इसे। रिलेटेड ऑफ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, ये भी नहीं है तो छोड़ दें इसे, तो इसे हम लोग नन कर देंगे। आईएन कर देते हैं, इंडिया का है इसलिए आईएन कर देते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म आपका कहाँ हुआ है तो अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हैं, कहाँ पे आपका जन्म हुआ। सिटीजनशिप में इंडिया कर दें। जैसे यस कर देते हैं हम, इंडिया के अलावा कहीं भी टैक्स नहीं देते हैं। यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दें। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दें, प्लस 91 लगा दें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दें। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल दें, जो भी आपका ईमेल आईडी है। अल्टरनेट नंबर कोई देना चाहते हैं और भी नंबर तो डाल देने, तो छोड़ दीजिए सब। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अपना देख लीजिए जो भी आपका है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, तो मेरा आधार कार्ड, तो हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पेज, हमने आधार कार्ड को टिक किया है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में डॉक्यूमेंट नंबर में हम लोग यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू डालेंगे, डेट ऑफ एक्सपायरी डालेंगे, रेसिडेंस और बिजनेस दोनों है या सिर्फ रेसिडेंस है, तो मेरा रेसिडेंस और बिजनेस, रेसिडेंस और बिजनेस दोनों है। फिर करेंट है, परमानेंट है या ओवरसीज है, तो मेरा परमानेंट है, तो हम लोग परमानेंट को टिक कर देंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे विलेज डाल देंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दें। उसके बाद स्टेट डाल दें, जो भी आपका स्टेट है स्टेट का नाम डाल दें यहाँ पे। उसके बाद पिन कोड डाल दें। फिर एड्रेस डिटेल आपका पूछा, फिर आपका एड्रेस डिटेल पूछा जा रहा है और आपका एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेम एज करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दोनों आपका एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर दे और इसे फिल करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर पे नहीं है, कहीं अलग जहाँ पे कहीं पे आप जॉब करते हैं, तो उसमें अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। बिजली बिल हो गया, पीपीओ हो गया, म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, कुछ भी डॉक्यूमेंट लगा लें इसमें। सेल्फ सर्टिफिकेशन है, इसे यस कर दें। यहाँ पे फोटो लगा लें, इसे यस कर दें। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। उसके बाद प्लेस लिख दें यहाँ पे। यहाँ पे डेट डाल दें, ये ऑफिस यूज के लिए इसे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग अपना डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट यूजर आईडी पूछ रहा है, तो ये ब्रांच क्रिएट करेगा तो यहाँ पे लिख देगा। सेकंड एप्लीकेंट यूजर, ये सिंगल अकाउंट है, इसमें सेकंड का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसे छोड़ दें, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। और अकाउंट नंबर तो ये सब खुद भर लेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट पूछ रहा है, टाइप ऑफ अकाउंट आपका जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, क्या है, तो मेरा सेविंग अकाउंट है तो हम लोग इसको सेविंग बैंक अकाउंट को टिक करेंगे, करेंट अकाउंट रहता तो करेंट अकाउंट को टिक करते हैं।
उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन पूछ रहे हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन आप सेल्फ करना चाहते हैं क्योंकि आप सिंगल अकाउंट है तो आप सेल्फिंग कीजिएगा। इनके ज्वाइंट अकाउंट रहता है तो उसमें आइदर और सर्वाइवर होता है, दोनों में से कोई विड्रॉल कर सकता है। यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड है तो एटीएम कार्ड एटीएम डेबिट कार्ड का तो इसे यस कर देते हैं और यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। मोबाइल नंबर इज मैन्यूरेटरी फॉर सर्विस, मोबाइल नंबर इसके लिए आपको चाहिए ये सब सर्विस के लिए, तो इसे चेकबुक चाहिए तो यस कर दें तो नो कर दें, एसएमएस अलर्ट चाहिए तो यस कर दें तो नो कर दें, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। नेट बैंकिंग चाहिए तो यस कर दें, फर्स्ट एप्लीकेंट ही रहेगा क्योंकि एक ही अकाउंट होल्डर है। फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो नहीं चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यस कर देते हैं। पासबुक रिक्वायर्ड तो यस कर देते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो आपका मेल आईडी उस पर पर मंथ आपको जो सॉफ्ट कॉपी था वो मेल पे चाहिए तो चाहिए तो इसे रिक्वायर कर दें, नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर कर दें, तो चाहिए तो रिक्वायर कर दिए हैं। ये जो फॉर्म ये जो है ऑप्शन है ये फिक्स डिपॉजिट के लिए है, जो फिक्स करते करेंगे उनके लिए, तो ये हम लोग को फिल नहीं करना क्योंकि हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं। ये भी है लिक्विड फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो ये भी हम लोग को फिल नहीं करना है। आरडी है ये रेकरिंग अकाउंट के लिए, तो ये भी हम लोग को फिल नहीं करना है, ये सबको छोड़ दें, नील छोड़ दें। उसके बाद ये नॉमिनेशन का फॉर्म आ गया DA-1, तो इसको हम लोग फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, जब रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा तो यहाँ पे डाला जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डाल दें, उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम डाल दें, ओवरसीज बैंक जो ब्रांच हो ब्रांच का नाम डाल दें यहाँ पे। उसके बाद जो पासबुक है अगर आपका नाम चाहिए नॉमिनी का नाम प्रिंट, तो इसे यस करें नहीं तो इसे छोड़ दें, टिक करें तो छोड़ दें इसे। टाइप ऑफ डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट कर दें। और अकाउंट नंबर, जब अकाउंट नंबर आएगा तो यहाँ पे डाला जाएगा। यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल दें, उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल दें यहाँ पे। उसके बाद नॉमिनी का रिलेशन डाल दें कि अकाउंट होल्डर के साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है। उसके बाद नॉमिनी का एज डाल दें, अगर इनके नॉमिनी माइनर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ डलाएगा और यहाँ पे उनका गार्जियन का कुछ डिटेल डलाएगा। नॉमिनी माइनर नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई डिटेल नहीं डलाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। इनकेस अगर नॉम जो अकाउंट होल्डर अगर थम इम्प्रेशन देंगे तो उसमें दो विटनेस लगेगा, और थम इम्प्रेशन नहीं देगा तो विटनेस का जरूरत नहीं है। तो दो विटनेस लगेगा, फर्स्ट विटनेस अपना यहाँ नेम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा, एड्रेस लिखेगा और अकाउंट नंबर लिखेगा। सेकेंड विटनेस अपना फिर नेम लिखेगा, सेकेंड विटनेस अपना नेम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा, एड्रेस लिखेगा और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखेगा। और आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो इस बॉक्स में टिक कर दें और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दें। हम लोग नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम लोग इसे छोड़ देंगे। सेल्फ सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे प्लेस में जो भी आपका एड्रेस है ब्रांच का वो डाल दें, उसके अगर आज फॉर्म सबमिट करें तो आज का डेट डाल दें और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दें। ये ऑफिस यूज के लिए इसे छोड़ दें। डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन, जो माइनर का जो रिलेटेड पर्सन है उनका डिटेल के लिए, तो अकाउंट होल्डर माइनर नहीं है इसलिए हम लोग इसे फिल नहीं करेंगे, तो इसे भी छोड़ दें। अगर यहाँ पे फटका डिटेल आ गया है, फटका डिटेल फॉर्म, कस्टमर आईडी मांग रहा है, कस्टमर आईडी नहीं है मेरे पास, CKYC नंबर मांग रहा है तो वो भी नहीं है, अकाउंट नंबर भी नहीं है। यहाँ पे जो नाम है अकाउंट होल्डर का मिस्टर मिसेज जो करना है कर दीजिए, उसके बाद उसका नाम लिख दें, जो भी अकाउंट होल्डर है उनका नाम लिख दें। सिटीजनशिप पूछ रहा है तो इंडिया कर दें। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, जन्म स्थान लिख दें। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है, किस देश में आपका जन्म हुआ, तो यहाँ पर लिख दें किस देश में जन्म हुआ। उसके बाद अपना एड्रेस डाल दें, यहाँ पे अपना स्टेट डाल दें जिस स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दें,
उसके बाद पिन कोड डाल दें। उसके बाद कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस, तो हम लोग टैक्स कुछ देते नहीं हैं तो इसलिए इसे छोड़ दें। उसके बाद टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछ रहा है, आइडेंटिफिकेशन टाइप पूछा था, सब कुछ नहीं डालें, छोड़ दें। ये सब डालने का जरूरत नहीं है। ये डिक्लेरेशन है, इसे पढ़ ले। और नॉमिनी का आपका एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो एक्नॉलेजमेंट ये है, इसका रिसिप्ट आप ले सकते हैं। हाउ टू ओपन एन अकाउंट, तो ये भी अकाउंट के बारे में डिटेल दिया गया है, तो इसे भी पढ़ ले। पढ़ने के बाद ये फॉर्म फुलफिल हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, किसी भी तरह का प्रॉब्लम था कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।